Hello beautiful people, welcome back to my channel Heart, Soul and Style. Today I am here to share few of the acne care products which I have explored over the period of time, and these products have really helped me and my skin. Meri skin jo hai is always been a acne prone skin, and mujhe hamesha aisa feel matlab bahut zyada acne problem rahi hai. तो मैंने बहुत डर्मैट्स को भी कंसल्ट किया है एंड मतलब बहुत एक्सप्लोर भी किया है, एंड आई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने मेरी स्किन को बेटर करने में हेल्प किया है, एंड फ्यू ऑफ द हैबिट्स नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन द रूटीन टू गेट अ बेटर स्किन. तो अगर आप उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज़ लीव डाउन कमेंट्स हाउ आई हैव हील्ड माय स्किन. तो लेट मी नो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट हाउ थिंग्स वर्कड आउट फॉर मी एंड व्हाट आई हैव डन बेसिकली टू गेट बेटर स्किन. सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो अ लिटिल बिट हेल्पफुल प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो leave down your lovely comments below just to encourage me. And if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel. There is a red button on the right hand side. It's free for you, and but it means a lot to me. And there's a bell icon on the right side. Make sure to hit that bell icon as well, because जैसे ही आई अपलोड द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन अबाउट द वीडियो. सो आप जल्दी से जल्दी उसको देख सकते हैं. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ. सो फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन इज मॉइस्चराइजिंग योर स्किन. तो मतलब लेट मी टेल यू, जो भी बेसिकली एक्ने प्रोन स्किन्स होती हैं वो दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑयली. तो उनको मतलब दे फील कि दे नीड टू ड्राई देयर स्किन डाउन, बट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज आप मतलब एक्ने प्रोन जो स्किन होती है वो ऑयली नहीं होती है, इट्स एक्सट्रीमली ड्राई. जो आपकी स्किन की इंटरनल लेयर होती है, आपको पता है हमारी बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म है टू हील, और हर चीज़ का एक अपना मैकेनिज्म है. जैसे WBC फाइट्स विद द डिजीज़ या कोई भी आपको इन्फेक्शन होती है WBCs फाइट करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में सीबम होता है, मतलब हमारे फेस पे सीबम रिलीज होता है टू कंपनसेट द ड्राइनेस. तो हम जो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं, मतलब ऑयली एज इन की जिनकी फेस बहुत ऑयल सिक्रीट करता है, एक्चुअली डीप डाउन उनकी जो स्किन होती है वो एक्सट्रीमली ड्राई होती है. तो उनकी बॉडी जो होती है उसका एक मैकेनिज्म होता है टू प्रोवाइड ऑयल टू देयर स्किन. तो उसके लिए टू प्रोवाइड मतलब ऑयल, वो सीबम एक्स्ट्रा रिलीज करता है. सीबम की वजह से क्या होता है, एक्ने ज़्यादा होते हैं, और हार्मोनल इश्यूज भी होता है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जो एक्ने मतलब एक्ने मतलब बढ़ता है. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू मॉइस्चराइज योर स्किन. मतलब कभी भी एक्ने प्रोन स्किन वाले ये कंसिडर ना करें कि दे डोंट नीड टू मॉइस्चराइज देयर स्किन, बिकॉज उनकी स्किन इज ऑलरेडी वेरी ऑयली. एक्चुअली द मोर दे कीप इट मॉइस्चराइज ना, उतना सीबम कम रिलीज होगा. सीबम कम रिलीज होगा तो एक्ने कम आएंगे. तो दिस वॉज वन थिंग. तो आप एक अपने लिए एक पर्टिकुलर एक्सप्लोर करके मॉइस्चराइजर फाइंड कर सकते हैं जो वर्क करे आपकी स्किन के लिए. आई फेल्ट कि मतलब रिसेंटली मैं ये एक्रोफाई का एक्ने लोशन फॉर सीबम कंट्रोल यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, और मुझे ये मेरे डर्मैट ने रिकमेंड किया था, एंड आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट सिंस देन. ये बहुत ही मतलब मॉइस्चराइज करता है, और इसके बाद मेरी जो स्किन है उस मतलब वो कम ऑयली होती है. तो एक प्रॉपर मतलब एफिशिएंटली ये मेरी स्किन को मॉइस्चराइज करता है. तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट विच शुड बी इंक्लूडेड इन योर रूटीन. सो दिस वॉज इट. सेकेंड प्रोडक्ट विच आई वॉन्ट टू शेयर इज दिस. आई डोंट नो द प्रोनंसिएशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, बट आई थिंक एक्टे
I don't know the product, pronunciation of this product. So ये है एंटी एक्ने ट्रीटमेंट जेल, स्किन परफेक्शन जेल. तो ये मैंने बहुत रिसर्च के बाद अमेज़ॉन से परचेज किया था. तो ये आई हैव बीन मतलब मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा. आप इसको एज अ नाइट पैक की तरह भी यूज़ कर सकते हो. यू कैन अप्लाई इट एट नाइट और आप अपनी स्किन पे ही छोड़ सकते हो इसको. ये बहुत ही सूदिंग सेंसेशन, बहुत ही ठंडा आपकी स्किन को फील होता है इसको लगा के. तो ये दिस वॉज द सेकेंड प्रोडक्ट और ये मॉइस्चराइज भी अच्छा करता है आपकी स्किन को. तो ये मेरा सेकेंड फेवरेट प्रोडक्ट. थर्ड इज मतलब दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट विच आई वॉन्टेड टू सजेस्ट. थर्ड इज दिस फैश पैड करके ये पैड हैं. ये आप अगर आप मतलब 1 mg से आप इसको खरीद सकते हैं. मैंने वहीं से मंगाया था. तो ये इसका MRP इज अराउंड 290 बट आपको 1 mg पे ये डिस्काउंट पे मिल जाएगा. तो ये क्या है, ये ऐसे मतलब फेस वाइप्स टाइप के हैं. ये वेट कंसिस्टेंसी के होते हैं. तो आप इससे मतलब जैसे आपको डे टाइम पे अगर इफ़ यू फील कि आपकी स्किन जो है बहुत ऑयली हो रही है एंड इट्स बेटर कि अगर आपकी स्किन पे सीबम रिलीज हुआ है तो आप उसको जल्दी से जल्दी क्लीन कर लें. तो आप एक और चीज़, जितना ज़्यादा आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप फील करेंगे आपका सीबम प्रोडक्शन जो है आपकी स्किन का वो रिड्यूस हो जाएगा. तो ये जो है ये मैंने उसी लिए लिए थे. ये बहुत ही हाइड्रेटिंग है और इसके अंदर ना छोटे छोटे ये डॉट्स आप फील कर रहे हो तो ये काइंड ऑफ स्क्रब की तरह भी काम करते हैं. और बल्कि एक्ने प्रोन स्किन को ये स्क्रब यू शुड नॉट बी डूइंग स्क्रब ऑन योर स्किन. बट ये जो है ये एक्चुअली आपके जो सीबम पोर्स है उसको क्लीन कर देता है और आपको कोई ब्रेकआउट नहीं होगा. ये मतलब प्री मॉइस्चराइज पैड्स हैं. 30 पैड्स आते हैं फॉर अराउंड 290 बट ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है. ये आपकी स्किन को बिल्कुल मॉइस्चराइज छोड़ता है. इसके बाद आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है. मतलब आप दिन में इफ़ यू आर वर्किंग वुमेन एंड यू डोंट मतलब यू डोंट हैव अ टाइम इन ऑफिस टू गो एंड क्लीन योर फेस, मतलब वॉश योर फेस, तो आप इस तरीके का कुछ यूज़ कर सकते हो जस्ट टू क्लीन इट, क्लीन द सीबम. तो आप यू विल बी सॉर्टेड फॉर द डे. सो दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट विच आई वॉन्टेड टू शेयर. नेक्स्ट इज सनस्क्रीन. सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मतलब इवन इफ यू आर नॉट हैविंग एक्ने स्टिल आपको सनस्क्रीन मतलब यू शुड बी वेयरिंग सनस्क्रीन कंसिडरिंग बहुत ज़्यादा लोगों को कैंसर भी हो रहा है और यूवी रेज इतनी ज़्यादा हैं, प्रोमिनेंट हो चुकी हैं. तो जस्ट फॉर सेफ्टी आपको सनस्क्रीन यू शुड बी वेयरिंग. तो राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस Uvdoux सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल. इसमें SPF 50 है. तो ये फॉर मतलब ऑयल फ्री है, मैट फिनिश है, वाटर रेजिस्टेंट है. तो ये जो सनस्क्रीन है ये भी मुझे मेरे डरमैट ने रिकमेंड की थी. अर्लियर आई वॉज यूजिंग सनग्रेस टोटल. आई वॉज इन लव विद दैट प्रोडक्ट. वो आई यूज दैट सनस्क्रीन फॉर अराउंड 4 years बट वो somehow पता नहीं डिस्कार्ट हो गई है. अब मतलब वो मिलती नहीं है. तो आई वॉन्टेड अ न्यू सनस्क्रीन. तो मेरे डरमैट ने ये मुझे रिकमेंड की. ये वो जो थी वो लोशन बेस्ड थी. दिस इज़ एक क्रीम बेस्ड है बट ये बिल्कुल भी थिक आपकी स्किन पे थिक फील नहीं होती है. तो ये मतलब बिफोर गोइंग आउट 30 मिनट्स पहले आप अपनी स्किन पे ये मतलब ऐसे कुछ सनस्क्रीन विच एवर सनस्क्रीन वर्क्स फॉर यू आप वो अप्लाई करें. तो मतलब दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर रूटीन एज वेल. लास्ट प्रोडक्ट विच आई वॉन्ट टू शेयर इज अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट आई एम सो मच इन लव विद दिस प्रोडक्ट कि आई फेल्ट लाइक शेयरिंग इट विद यू गाइज. ये है Kiehl's का क्लियरली करेक्टिव डार्क स्पॉट सॉल्यूशन. एक्चुअली ये एक्ने के लिए नहीं है बट मार्क्स के लिए है. आप बिलीव नहीं करेंगे मतलब सिवियर से सिवियर मार्क पे आप इसको अप्लाई करेंगे. मतलब जस्ट लिटिल बिट ऑफ दिस एट नाइट एंड डे आप लगाएंगे
तो आपका जो स्पॉट है विद इन 2-3 days वैनिश हो जाएगा, मतलब फीका हो जाएगा. आई हैव नेवर सीन अ प्रोडक्ट वर्क सो फास्ट ऑन योर स्किन. तो ये जो है, आई हैव बीन इन लव विद दिस प्रोडक्ट. ये मेरी सेकेंड बॉटल है, आप देख सकते हो, इट्स अबाउट टू ओवर, आई विल परचेज अगेन. ये अराउंड 4600 की यू कैन फाइंड इट एट कील स्टोर, या कील का स्टोर जो है. मतलब आई हैव परचेज दिस वन फ्रॉम DLF मॉल ऑफ इंडिया नोएडा में जो है. तो मतलब ऑनलाइन भी नायका पे भी अवेलेबल है, तो आप ये वहाँ से परचेज कर सकते हैं. इट्स अ लिटल बिट एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ द मनी, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है बिकॉज यू जस्ट नीड अ लिटल बिट ऑफ क्वान्टिटी. तो ये 6 to 8 months आपके आपको वर्क करता है, आपके लिए वर्क कर जाता है. तो दिस वॉज द लास्ट प्रोडक्ट विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू. सो लेट डू ट्राई दीज प्रोडक्ट्स एंड लेट मी नो इफ ये प्रोडक्ट्स आपके लिए वर्क करे. और एंड वन मोर थिंग फॉर कील्स प्रोडक्ट, कील्स जेल, आप कील के स्टोर पे जाके इसका सैंपल पहले ले सकते हैं. वो कील्स स्टोर वाले सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं टाइनी, तो आप वो यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं. इफ़ इट वर्क्स फॉर यू देन यू कैन गो फॉर द बॉटल. सो ये मतलब दिस वॉज द लास्ट प्रोडक्ट. एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो अ लिटल बिट हेल्पफुल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. And don't forget to subscribe my channel. I'll see you in my next video. Bye-bye.